हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सफलता मंत्र दो सौ उनहत्तर हज़ार शिक्षक भर्ती बहुप्रतीक्षित भर्ती आप सभी लोगों को पता होगा और उसका ऑर्डर कल कोर्ट में सुना दिया गया था उसके बाद से आप सभी लोगों के मन में बहुत से प्रश्न उठ रहे होंगे सिर्फ और सिर्फ यही एक मकसद है इस वीडियो को लाने का जो कि आप लोगों ने पिछली क्लास जिसमें कि हमने ऑर्डर आपको बताया था डिस्कस किया था कि साठ पैंसठ को बहाल कर दिया गया है उसके बाद से काफ़ी लोगों ने कमेंट करके कोई क्वेश्चन पूछे थे कोई कह रहा कि भर्ती कब तक पूरी होगी इसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो वो फॉर्म खो गया यानी कि रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म जो था वो खो गया काफी लोगों का इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे और छोटी सी वीडियो है, एंड तक जरूर देखेगा इसके बाद अगर आपके मन में कोई कोई क्वेश्चन बचते हैं डाउट रहता है तो वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा नेक्स्ट क्लास में उन डाउट्स को भी हम लोग क्लियर कर देंगे जो कि आपके उनहत्तर हजार भर्ती से रिलेटेड हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास में लगे हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और बिल्कुल सटीक हंड्रेड परसेंट सही जानकारी आपको यहीं चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं जब तक जानकारी की पुष्टि नहीं होती तब तक आपको कोई भी गलत न्यूज नहीं दी जाती है तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कब तक भर्ती पूरी होगी तो दोस्तों जिस प्रकार से सरकार का रुख लग रहा है जैसे ही कोर्ट का ऑर्डर आया तुरंत सबसे पहले शिक्षा मंत्री जी ने मुख्यमंत्री के पोर्टल से ट्वीट किया गया उसके बाद उप मुख्यमंत्री के पोर्टल से ट्वीट किया गया इसके अलावा कई चैनल्स पर भी बीजेपी के लोग और उसके अलावा जो सरकार के लोग मंत्री लोग आए और उन्होंने साफ साफ कहा कि ये भर्ती प्राथमिकता में है इसको पूरा करना सरकार का उद्देश्य है और उद्देश्य के साथ ही साथ ये एक लगभग दो वर्ष डेढ़ वर्ष होने को आए हैं और काफ़ी समय से सब लोग इंतजार कर रहे हैं देख रहे हैं कि सरकार का क्या रुख है अब अभी तक सरकार जो कह रही थी कि अगर आ, को ऐसा हो जाए कोर्ट ऑर्डर आ जाए तो तुरंत हम लोग भर्ती कर देंगे तो अब देखना होगा कि लगभग वैसे कोर्ट ने जो डेडलाइन दी है उसमें कोर्ट ने कहा कि तीन माह के अंदर ये भर्ती पूरी कर दी जाएगी लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों अभी तक कोर्ट का जो ऑर्डर आया है अपलोड नहीं हुआ है कोर्ट का ऑर्डर जैसे ही अपलोड हो जाएगा उसके बाद पूरा ऑर्डर पढ़ा जाएगा ऑर्डर पढ़ने के बाद उसमें जो कुछ भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए होंगे उसके आधार पर भर्ती को पूरा करने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी सबसे मेन पॉइंट है को ऑर्डर अपडेट होना सबसे ज्यादा जरूरी है जैसे ही ऑर्डर अपडेट होता है तुरंत आप लोगों को भी इससे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और ऑर्डर की जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो भी आपको सटीक तौर पर सामने सामने बता दी जाएंगी चलिए इस पर बाद में बात करेंगे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फॉर्म खो गया है तो दोस्तों देखिए रजिस्ट्रेशन स्लिप रजिस्ट्रेशन का फॉर्म जो फिल किया गया था यदि आप लोगों का वो फॉर्म खो गया है तो आपको नीचे एक लिंक दिया गया असिस्टेंट टीचर का जो फॉर्म फिल करने का लिंक था उसमें आप लोग अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से जो कि आपको मैसेज के माध्यम से मिल गया होगा आपके पास अगर वही वाला मोबाइल है तो मैसेज के माध्यम से आप वहाँ पर जा के उस लिंक पर जा के अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख करके उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों की यही आ रही थी तो लिंक नीचे दिया गया दोस्तों तुरंत सभी लोग उस लिंक पर जाइएगा और लिंक पर जा कर के वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं सबसे पहला लिंक ही दिया गया है इसके अलावा दूसरा लिंक आपको नीचे टेलीग्राम चैनल का मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने से मतलब है कि आप हमसे डायरेक्टली जुड़ रहे हैं आपको जो भी अपडेट होगी जो भी न्यूज़ होगी क्योंकि कई न्यूज़ ऐसी होती हैं जो हम आपको फोटो के माध्यम से डायरेक्टली वहाँ पर शेयर कर देंगे तो न्यूज को पाने के लिए तुरंत आप लोग जुड़ जाइए क्योंकि अब आपके अंतिम क्षण हैं अंतिम समय में आपको कई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी कई अन्य जानकारी की जरूरत पड़ेगी तो इसके लिए तुरंत सभी लोग चैनल से जुड़ जाइए बिल्कुल सटीक अपडेट के लिए तो दोस्तों ये देखिए न्यूज़पेपर की कटिंग है आज की इसमें साफ साफ दिया गया सभी पूरी प्रोसेस जो कि ऑनलाइन स्तर पर की जाएगी यानी कि ऑनलाइन तरीके से की जाएगी और लगभग बताया गया था कि तीन लाख पचासी हजार के आसपास कैंडिडेट हुए थे और तीसरी बात यह कितने कैंडिडेट पास होंगे सबसे बड़ा प्रश्न सामने ये आ रहा है तो जहाँ तक कि मेरा अनुमान है पूरा यही अनुमान है कि उनहत्तर हज़ार भर्ती है तो लगभग एक हज़ार या तो ज़्यादा हो जाएंगे कैंडिडेट या एक हज़ार कम होंगे इससे ज़्यादा और कोई अंतर होने वाला नहीं है ये बात आप नोट कर लीजिए और रिजल्ट आने पर देख लीजिएगा सेम टू सेम आंकड़े जो होंगे इसी के आसपास आपको देखने को मिलेंगे और लगभग सभी लोग जितने लोग पास होंगे सभी को इसके अंतर्गत नियुक्ति मिलने की पूरी पूरी संभावना है तो किसी भी प्रकार की कोई गलत कदम मत उठाइएगा कोई भी परेशानी लेने की जरूरत नहीं है जबकि ऑनलाइन प्रोसेस नहीं होती है तो इसके बाद दोस्तों आपके ऑनलाइन माध्यम से ही फॉर्म फिल किया जाएगा बाकी प्रोसेस जो होती रहेगी वैसे वैसे आपको बताते रहेंगे ज्यादा टेंशन की भी जरूरत नहीं है अब अगला सवाल रिजल्ट कब तक आएगा तो यह आज के न्यूज़पेपर की ही कटिंग है एक हफ्ते बाद घोषित हो सकता है रिजल्ट रिजल्ट आने के लिए सबसे बड़ी बात है ऑर्डर अपलोड होना जैसे ही ऑर्डर अपलोड हो जाएगा उसके बाद उसकी प्रोसेस आगे बढ़ जाएगी और कुछ लोग कह रहे हैं पीएनपी से कहा गया कि एक दो दिन में ऑर्डर आ जाए एक दो दिन में रिजल्ट जारी कर दिया जाए तो कोई बड़ी बात भी नहीं है दोस्तों क्योंकि 10 तारीख तक हम भी उम्मीद लगाएं कि 10 के आसपास तक रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और जैसे ही रिजल्ट से संबंधित कोई भी खबर आती है तुरंत आपको सूचित किया जाएगा क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि पीएनपी के माध्यम से पता चला है कि जो आपका रिज़ल्ट है जो आपकी संशोधित आंसर की है वो सब कुछ तैयार रखा हुआ है जैसे ही ऑर्डर पहुंचता है पीएनपी ऑफिस में जैसे ही कोर्ट सरकार की तरफ से आदेश दिया जाता है तुरंत आपकी आंसर की जारी की जाएगी और उसके बता रहे हैं कि एक दो घंटे के बाद ही रिज़ल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा यानी कि आपकी आधी जो आधी सीढ़ी है वो आप पार कर जाएंगे फिर आपकी आगे की प्रोसेस प्रारंभ होगी तो ये कुछ दोस्तों आपके उनहत्तर हजार भर्ती से संबंधित डाउट्स थे कुछ प्रश्न थे और मेरिट कैसे बनेगी इसको लेकर आपके सामने लिखा हुआ है इसके अलावा हम आपको आपको एक वीडियो के माध्यम से पूरी गुणांक गुणांक की प्रोसेस बता चुके हैं कि अपना आपको कैसे निकालना उसका लिंक नीचे दिया गया उसको भी जरूर देखेगा और जैसे जैसे आपके डाउट्स बढ़ेंगे वैसे वैसे हम आपको डेली के डेली डाउट्स को क्लियर करते रहेंगे सुबह आपकी करंट अफेयर की क्लास आती है उसको अगर आप सिलेक्ट हो रहे हैं फिर भी देखते रहिए मुश्किल से आपकी दस से बारह मिनट की क्लास होती है और डेली की डेली जो भी क्वेश्चंस बनते रहते हैं उनको हम तुरंत खुद टाइप करके खुद ले करके आते हैं तो उम्मीद करते हैं आप लोग इतनी मेहनत के बावजूद अगर आप लोगों को लगता है कि थोड़ी भी मेहनत की गई है तो उसको ज़रूर आप लोग शेयर करिएगा और देखिएगा तो दस प्रतिशत स्कूल इंटर दस प्रतिशत इंटर दस प्रतिशत ग्रेजुएसन और बी टी सी बी एड जो कुछ भी हैं उसके दस दस परसेंट मार्क्स लिए जाएंगे बाकी आपके सिक्सटी परसेंट जो भी अंक आपके आएंगे लिखित परीक्षा में सुपर टेट में वो जोड़े जाएंगे और शिक्षा मित्रों को ट्वेंटी फाइव मार्क्स का मार्क्स का जो वेटेज मिल रहा है वो भी इसमें जोड़ दिया जाएगा एंड में तो ये कुल मिलाकर के पूरी प्रोसेस है जिसके माध्यम से आपकी पूरी शिक्षक भर्ती कंप्लीट होने वाली है तो ये कुछ दोस्तों जानकारी थी उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी सभी आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे अभी तक के मुझे नहीं मालूम कितने आपके डाउट्स और हैं इसके लिए आप तुरंत कमेंट करके बताइएगा बताइएगा क्या क्या आपके मन में सवाल उठ रहे हैं क्या क्या डाउट हैं लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है सरकार अपनी तरफ से इन तीन मंथ में भर्ती पूरी करने की पूरी कोशिश करेगी सिर्फ एक दिक्कत है वो है सुप्रीम कोर्ट की देखना होगा सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है अभी तक जो मामला है वो हमने आपको क्लियर कर दिया है आगे की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें नीचे रेड कलर का बटन मिलेगा उसके पास में एक वेल आइकन और मिलेगा उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा तभी आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे बाकी जानकारी के लिए कमेंट करना मत भूलें दोस्तों मिलते हैं कल की क्लास में तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों गुड बाय टेक केयर